बंसी विभूषित करान नवनीरदाभार पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नमः कमलने नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय कमलापतये नमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये श्यामा श्याम प्रेम रस रसिक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद
नंद नंदन भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दो प्रश्नों को हल करने में हमने अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्न किया, किंतु अभी तक इन दो प्रश्नों का समाधान क्रियात्मक रूप से नहीं हो सका। और जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न होंगे, ये प्रयत्न निरंतर चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब वो जीव कृत कृत्य हो जाएगा, करना समाप्त हो जाएगा। तदर्थ आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से भी बताया गया, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। संक्षेप में ये बताया गया कि मैं कौन हूं का उत्तर साधारण भाषा में है, जो मेरा न हो वो मैं है। मेरा और मेरा शब्द का अर्थ किया गया कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब मेरे हैं, ये सब मैं नहीं है। फिर कौन है मैं? तदर्थ वेदों शास्त्रों पुराणों का अवलंब लिया गया और बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है, ब्रह्म जीव माया, और उस ब्रह्म की एक पराशक्ति है, एक जीव शक्ति है, एक माया शक्ति है। हम लोग जीव शक्त विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है, अंश है, और दूसरी शक्ति माया शक्ति है, वो जड़ है। और जो भगवान की पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, चित शक्ति, वो पराशक्ति सब शक्तियों की अधिष्ठात्री है, सब शक्तियां उसके अंडर में हैं। तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को स्वांश कहा जाता है। वे सब सदा से माया रहित हैं, भगवान हैं, मायाधीश हैं, स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो सदा से मायातीत हैं, किंतु वे भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। शेष जीव अनादिकाल से मायाधीन है, वे सब के सब
जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति है। हम लोगों को गीता में भगवान ने कहा कि जीव पराशक्ति है, माया अपराशक्ति है, अर्थात जीव माया से उत्कृष्ट है, क्योंकि चित शक्ति है, चेतन है, इसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये दृष्टा श्रोता घ्राता मनता रसयिता कर्ता इत्यादि गुणों से युक्त है, माया जड़ है। और जीव की परिभाषा की गई कि ये अत्यंत सूक्ष्म है, अणु है, ये सर्वव्यापक नहीं है। अगर जीव सर्वव्यापक होगा तो फिर जो वेद के हजारों प्रमाण ये कह रहे हैं कि एक प्रेरक शासक गवर्नर सर्वशक्तिमान भगवान भी है, तो ऐसे अनंत भगवान नहीं बन जाएंगे। देखिए एक छोटा सा भ्रम और है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं बस एक भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है और कुछ नहीं। तो ये कुछ लोग कहते हैं जो ये वेद के आधार पर कहते हैं, शास्त्र के आधार पर कहते हैं। वेद में कहा गया ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। सब कुछ भगवान है और कुछ है ही नहीं। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत भागवत 2:6:15। पुरुष एवेदग्वम श्वेताश्चतुरोपनिषद 3:15। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। पादेशु सर्वभूतानि पुंसस्तिति पदो विदु अभयम् क्षेमम् अमृतम् त्रिमूर्धनो धायि मूर्धसु, भागवत 2:6:18। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः, भागवत 2:5:14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, 10:14:57। इस सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं एक तत्व है, एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्, एकम संतम बहुधा कल्पयंत, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर यैमान लोकानि सत ईशनी भी, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, मत्तः परतरं किंचिन् नान्यदस्ति धनंजय, 7:7 गीता। अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्या मिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्, 10:42 गीता।
अर्थात केवल एक भगवान है। ये भी तो वेद कहता है, द्वासुपर्ण सऊजा सखाया समानम वृक्षम परिकत्व जाते कयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकसीति श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये नारायण उत्तरोपनिषद में भी ये मंत्र है। पहला दो तत्व है, मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 3:1:1। दो तत्व है, आपके अंदर दोनों रहते हैं। एक कर्म करता है प्लस फल भोगता है, और एक नोट करता है और फल देता है और देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता। छाया तपौ ब्रह्म विदो बदंति, वेद कह रहा है। यहां छाया शब्द का भाष्य किया है शंकराचार्य ने, जीवात्मा अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर हृदय में रहते हैं। अभ्युपगमात हृदि ही, हृदि ही एव एष आत्मा, वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 3:6, सवा एष आत्मा हृदि, वेद कह रहा है। 8:3:3 छांदोग्योपनिषद, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता हूं। 18:61 अर्थात एक है, ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद। दो है, ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद। और सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्चुत रूपनिषद 1:6। इन दो के अलावा तीसरा एक और है, पृथक शब्द लिखा है और प्रेरितारम भी लिखा है, वो प्रेरक है। एतज गेयम नित्यमेवात्मसंस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9:11। ये मंत्र कह रहा है तीन होते हैं, दो नहीं। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म और एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। और परिभाषा भी लिख दी, भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं जी? भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा वेद ने की कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर् मनीषिणः। 1:3:3, 1:3:4। अये पैंगुलोपनिषद ने भी ये मंत्र है, 4:1:2:3। अर्थात एक रथ है,
उसमें एक पैसेंजर है, मुसाफिर है और रथ है, कुछ घोड़े भी हैं, घोड़ों के मुंह से लगाम है, रस्सी, और एक ड्राइवर भी है। ये शरीर है रथ, इसमें इंद्रियां हैं घोड़े, उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम, उस मन को गवर्न करने वाली बुद्धि है सारथी, यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया घोड़े उस ओर चले, रथ उस ओर गया। ये जो सारथी है बुद्धि, ये गड़बड़ है। क्यों?